राधे राधे एवरीवन। तो आज मेरे सुबह के 5 बजे और मैं अभी निकल रहा हूँ। बेसिकली आज मेरे को एक स्पोर्ट्स इवेंट शूट करने जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली मेरे को बाइसाइकिल राइड रैली शूट करनी है, तो मैंने सोचा कुछ बेसिक जो रहता है बाइसाइकिल और स्पोर्ट्स इवेंट्स का फोटोग्राफी का, तो उसके बारे में आपको बताऊँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में बहुत काम आते हैं शूट करते हुए, फोटोग्राफी शूट करते हुए। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा गाड़ी में ऐसा इशू हो गया कि गाड़ी में जिसमें मेरा कैमरा बैग पड़ा है वो दूसरी गाड़ी में, और मैं दूसरी गाड़ी में आ गया हूँ। तो मैं ब्लॉग अब फिर से जो भी है पूरा ब्लॉग अपने फ़ोन पे शूट करने वाला हूँ, तो थोड़ा क्वालिटी को साथ मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको आज सेटिंग्स का बताता हूँ। जैसे अब दिन में कोई भी शूट कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स शूट है, तो क्या होता है एक्शन बहुत फास्ट रहेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लाइट के अकॉर्डिंग अपना कैमरा सेट कर सकें। तो हमें अपनी सेटिंग्स उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। तो सबसे पहले तो आज हम ऑटो पे शूट नहीं करने वाले, तो हम किस पे शूट करेंगे, हम शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि बार बार लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो हमें उसका टेंशन नहीं रहेगा। बस हमें अपना शटर अपने हिसाब से सेट करना है, हमें कितना मोशन ब्लर चाहिए उसके अकॉर्डिंग शटर सेट करना, और बाद में वो एफ स्टॉप अपने अकॉर्डिंगली खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। तो कैमरा सेट करेगा हमारा एफ स्टॉप, शटर हम सेट करेंगे। और इससे मोशन ब्लर भी अच्छा आएगा, और सबसे पहले और आज हम फोकस जो रखेंगे वो ऑटो फोकस रखेंगे। और अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस कैसा रहेगा, फोकस हमारा रहेगा ऑटो। क्यों ऑटो फोकस इसलिए रखना है, रीज़न क्या है, तो बीच में ये वॉकी टॉकी की आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि अभी शूट कैसा है कि अभी एक गाड़ी एक टीम दूसरी गाड़ी में एक टीम इधर है, तो ऐसा रहेगा, तो इसको भी थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, फोकस। तो फोकस हम क्या रखने वाले हैं, ऑटो फोकस रखने वाले हैं। तो कैमरा फोकस सेट करेगा, उसका रीज़न यह है कि यार अभी हम कैसे फील्ड में हम फ्रेम देखेंगे या फोकस सेट करेंगे, तो हम फ्रेम पे फोकस करेंगे और कैमरा फोकस खुद रखेगा। तो फोकस रहेगा ऑटो फोकस, और फोकस की क्या सेटिंग रहेगी, कॉन्टीन्यूस फोकस। जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट मूव करता जाएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग सारा फोकस मूव करना है, तो कॉन्टीन्यूस फोकस रखेंगे। मैं सेटिंग बता देता हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने FN फंक्शन बटन क्लिक करके फोकस सेलेक्ट करके AFC कर दिया। AFC मतलब ऑटो फोकस कंटिन्यूसली चलेगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव करेगा तो हमारा फोकस उसी सब्जेक्ट पे लॉक रहेगा, तो ये बेनिफिट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम आज ड्राइव मोड में शूट करेंगे, तो बेसिकली हम एक एक क्लिक नहीं लेने वाले। जब कैमरा में हम ड्राइव मोड कैसा रहता है, टक 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 टक, ऐसे शटर की साउंड रहेगी और बहुत ज़्यादा फोटोज़ एक मतलब ग्रुप में फोटोज़ क्लिक करेगा, इसका ये बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो क्लिक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस वाली फोटोज़ मिलेंगी। तो हमारा ये एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि फ़ोटो खींची वो चेक करना पड़ रहा है कि फोकस में आया कि नहीं आया। एटलीस्ट इतनी सारी फ़ोटोज़ में कुछ फ़ोटोज़ तो हमें फोकस में मिलेगी ही मिलेगी। और अब जो नेक्स्ट है वो है, अभी जैसे हम शटर प्रायोरिटी मोड में शूट कर रहे हैं तो हमारा शटर कितना रहेगा। तो बेसिकली मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितना शटर रख के शूट करने वाला हूँ, वो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे रहेगा। बट जैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस जब मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ तो मैं किसी को बोल दूँ कि मेरा वीडियो शूट करे, उस टाइम पे मैं बता सकूँ फ़ोटो का रिजल्ट भी और फ़ोटो मैंने कितने शटर पे खींची है। तो अभी मेरा कैमरा का शटर स्पीड रखा है 1/100th ऑफ द सेकेंड। अभी साइकिल वाला आएगा, मैं वैसे ही शूट लूँगा, पूरा पैन करूँगा उनके साथ ताकि मोशन ब्लर में फ़ोटो आए, जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में रहे और वही दिखे फोकस में, बाकी सब ब्लर रहेगा। तो मैं देखता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग अगर 1/100th में अच्छा आएगा तो सही रखूँगा, वरना चेंज करूँगा सेटिंग्स और साथ साथ में आपको रिजल्ट दिखाता जाऊँगा। तो खुद ही शूट कर रहा हूँ वीडियो भी फ़ोटो भी, तो थोड़ा व्लॉग रहेगा, थोड़ा शोर भी रहेगा, बट थोड़ा आज मैनेज करना पड़ेगा। तो 1/100th पे अच्छे शॉट्स मिल गए, बट द थिंग इज़ मेन रोड पर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, तो थोड़ा सा इशू करता है, बट अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो 1/100th सही रहेगा, अगर उसे ज़्यादा पे जाऊँगा 1/50th पे जाऊँगा या 1/60th पे जाऊँगा तो इशू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो सब्जेक्ट मतलब आउट ऑफ फोकस जाएगा, कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, मोशन ब्लर अच्छा आ रहा है। तो अभी जो आपने पिक्चर देखे उस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं मोशन ब्लर कितना अच्छा आया हुआ है, मेरे सब्जेक्ट कैसे निकला हुआ है। बट अभी मेरे बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं, तो मेरे को क्या करना है, मैं अभी अपना जो शटर स्पीड है वो थोड़ा सा रेज करूँगा, 1/250th पे अब मैं शूट करूँगा, उसके बाद का रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ।
तो ये सब वही लोग हैं जो का मैं शूट कर रहा हूँ गाइस। भैया बैठे हैं, भैया भी शूट कर रहे हैं स्टिल्स, सर ड्रोन हैंडल कर रहे हैं 360। तो हमारी टीम है और आधी टीम आगे वाली गाड़ी में है, मेरा कैमरा बैग भी उसी गाड़ी में है और ये साइकिलिस्ट गया अभी आपने देखा। अभी हम पनवेल जा रहे हैं, मेरे घर के पास ही एक और साइकिलिस्ट निकला, एक और अभी यहाँ से आएंगे साइकिलिस्ट, पीछे भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं ये स्पोर्ट्स रैली शूट कर रहा था तो लास्ट में जब वो ख़त्म होने वाले थे फर्स्ट डे, तो वो इतना जल्दी जल्दी हो गया, फास्ट फास्ट हो गया कि मेरे को वीडियो का एंड शूट करने का चांस नहीं मिला। तो कुछ टिप्स थे जो रह गए थे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। तो जैसे आप जो भी स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज रखो, अगर आप बास्केटबॉल शूट कर रहे हो तो बास्केटबॉल में क्या क्रिएटिवली कर सकते हो, बास्केटबॉल की पहले से वीडियोज़ देख के आओ और मतलब उस गेम में क्या क्या, मतलब एज अगर कोई एक टूरिस्ट भी आया होगा या कोई एज अ गेम देखने आया होगा तो वो भी फोटोज़ ले रहा होगा, उसकी और आपकी फ़ोटोज़ में डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस दिखना चाहिए कि हाँ एक ये प्रोफेशनल ने लिया है और एक एक टूरिस्ट या एक जो भी वीडियो मतलब गेम देखना है उसने ली हुई है। तो ये चीज़ों की जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ क्रिएटिव शॉट जो मैंने लिए हुए थे कि जहाँ से लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल है, फ़ोटोज़ लिए ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट ट्रिप जैसे मैं मोशन ब्लर के लिए बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहा था पर ग्रुप में लोग थे, इतने सारे लोग थे कि फ़ोटोज़ आउट ऑफ फोकस जा रही थी, तो क्योंकि कैमरा भी नहीं समझ रहा था किस पे फोकस करना है किस पे नहीं, क्योंकि ऑटो फोकस था। तो मोशन ब्लर वाली फोटोज़ लो पर डिफरेंट डिफरेंट शटर एंगल्स पे फोटोज़ लो, जैसे 1:50, 1:100, 1:25, ताकि आपके पास क्लाइंट को देने के लिए अच्छे से स्टफ हो, क्योंकि इन द एंड ये फोटोज़ क्लाइंट को देनी है मैंने। तो अगर मैं ऐसी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए रहा हूँ, उनको टेक्निकल चीज़ों से उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कैसे शूट किया, उनको एंड रिजल्ट देखना है, उसी के लिए वो मेरे को पे करने वाले हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो कि आपका क्लाइंट भी खुश होना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट शटर एंगल्स पर हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लर फोटोज़ आएंगी तो क्लाइंट क्या करेगा, आप उसको ये नहीं बोल सकते मैं स्पोर्ट्स मोड में था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। और ये ईयर की लास्ट वीडियो होने वाली है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट ईयर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, ऑलरेडी बहुत कंटेंट शूट करके रखा है जो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना। राधे राधे, फिर मिलूंगा आप नेक्स्ट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।